एक नियाजमंद कसरत से जिक्र इलाही करता रहता था, हत्ता के एक दिन इस पुरखलूस जिक्र से इसके लब शीरी हो गए। शैतान ने इसे वसवसे में मुबतला कर दिया। बेफायदा जिक्र की कसरत कर रहा है तो अल्लाह अल्लाह करता रहता है, जबकि अल्लाह की तरफ से लब्बैक की आवाज़ एक बार भी नहीं आई और ना ही अल्लाह की तरफ से कोई जवाब मिलता है। फिर एक तरफा मोहब्बत की पींग बढ़ाने से क्या फ़ायदा है? ये इस बात की दलील है कि तेरा अल्लाह का जिक्र करना अल्लाह के हाँ कबूल नहीं। शैतान की इन फरेब बातों से सूफी ने जिक्र करना छोड़ दिया। शिकस्ता दिल और अफसुरदा होकर सो गया। आंख सो गई और किस्मत जाग गई। आलम ख्वाब में देखा कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और इन्होंने दरियाफ्त किया कि जिक्र इलाही से गफलत क्यों की? ए नेक बख्त, तूने जिक्र हक क्यों छोड़ दिया? आखिर तू इस जिक्र पाक से पशीमान क्यों हो गया है? इसने कहा, बारगाह इलाही से मुझे कोई जवाब ही नहीं मिलता। इससे दिल में ख्याल आया कि मेरा जिक्र कबूल ही नहीं हो रहा है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने पैगाम भेजा है कि तुम्हारा अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल होना और दूसरा तुम्हारा पहली दफ़ा अल्लाह कहना कबूल होता है, तब दूसरी बार तुझे अल्लाह कहने की तौफीक मिलती है और तुम्हारे दिल में ये जो सोजो गिदाज है और मेरी चाहत, मोहब्बत और तड़प, ये यही तुम्हारे जिक्र की कबूलियत की निशानी है। ऐ बंदे, मेरी मोहब्बत में तेरी ये तदबीरें और मेहनतें सब हमारी तरफ से जज्बो कशिश का ही अक्स हैं। ऐ बंदे, तेरा खौफ और मेरी ज़ात से तेरा इश्क मेरा ही इनाम है और मेरी ही मेहरबानी और मोहब्बत की कशिश है कि तेरी हर बार या अल्लाह की पुकार में मेरा लब्बैक शामिल होता है। तुम्हारे जिक्र की कबूलियत की निशानी यही है कि तुम्हें जिक्र हक में मशगूल कर दिया है। एक जाहिल और गाफिल जिक्र हक और दुआ मांगने की तौफीक से महरूम रहता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के जिक्र का अजर खोर इसी जिक्र में ही पोशीदा होता है। अल्लाह ताला अपने जिक्र की और याद की तौफीक उसी को अता करते हैं जिससे खुश होते हैं, और यही इसकी कबूलियत की दलील है। हर इबादत इसी तरह ही है। हम नमाज पढ़ते हैं, ये हमें कैसे पता चले कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई? जब हमें अल्लाह ताला दूसरी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए तो ये इस बात की दलील है कि हमारी पिछली नमाज कबूल हो गई है। और खुशी भी होनी चाहिए कि हमारे अल्लाह की हम पर भी नज़र है।